Okay, तो अब हम बात करेंगे अबाउट ब्रांचेज ऑफ आर्टरी ऑप्थेलमिकार्ट्री आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं और वो ब्रांचेज बेसिकली कहाँ कहाँ से पास होती हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजल ब्रांचेज हमेशा सेम प्रॉब्लम हर जगह आती है दैट यू नीड अ न्यूमोनिक टू मेमोराइज तो यहाँ पर जो न्यूमोनिक मुझे समझ आया हम उसको ऐसे लिख सकते हैं यार देखो वी ऑलवेज स्टडी एंड देन वी कैन एक्सप्लेन इट टू एनी बॉडी तो बेसिकली ब्रांचेस जो हैं वो हमारी हमने जो न्यूमोनिक पढ़ा है वो कहाँ क्या पढ़ा है डॉक्टर जिसके पास आप गए थे मे बी वो मैनरलेस था और कैरेक्टरलेस था ठीक है इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे डॉक्टर मैनर कैरेक्टर लेस ऐसे ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन फिर भी यार लाइक बीइंग आफ्टर इन सेम प्रोफेशन इतनी वियर्ड लाइन बोलना तो हम लोग इससे इसकी ब्रांचेस याद रख सकते हैं डॉक्टर एमसी एंड लेस मतलब डॉक्टर मैनर एंड कैरेक्टर लेस तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये डी आर एम सी एल ई एस एस ये कौन कौन सी ब्रांचेज ऑफ अब टेलेमिकार्ट्री को डिनोट करता है तो हम लोग इसके बारे में अब लिखेंगे डी से आती है आपकी सबसे पहले एक्चुअली आपको क्या याद रखना है कि ये हमारा सबसे सिंपल न्यूमोनिक है राइट right? डी से हमें क्या याद रखना है वी हैव डोर्सल नेजल आर्टरी ठीक है डी से है हमारी डॉर्सल नेजल आर्टरी उसके बाद में है हमारा आर डी से है हमारी डॉर्सल नेजल आर्टरी आर से होती है हमारी वैसे तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है लेकिन अभी न्यूमोनिक पर्पज से हम लोग ये याद रख सकते हैं रेटिनल आर्टरी ठीक है artery, और रेटिनल आर्टरी में आपको याद रखना है कौन सी है ये रेटिनल आर्टरी दिस इज एक्चुअली योर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ठीक है दिस इज वॉट दिस इज योर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आर से आपको रेटिनल आर्टरी याद रखना है उसके बाद में है एम एम से हमारा आएगा मस्क्यूलर ब्रांचेस ठीक है मस्कुलर ब्रांचेस होती है मस्कुलर ब्रांचेस उसके बाद में है सी सी से आती हैं हमारी सीलियरी ब्रांचेस ये एक्चुअली न्यूमोनिक इसीलिए भी है ये सारी ब्रांचेस को डिफाइन ऐसे नहीं करेगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सी फॉर सीलियरी ब्रांचेस जिसमें हमारी कौन कौन सी सीलेरी ब्रांचेज आएंगी सीलेरी ब्रांचेज में हमारी आएंगी एंटीरियर सीलेरी ब्रांच ठीक है ना और आएगी पोस्टीरियर सीलेरी ब्रांच और पोस्टीरियर में क्या होगा दोनों लॉन्ग पोस्टीरियर सीलेरी एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सीलेरी तो बेसिकली यार ये न्यूमोनिक से आपको चीज़ें याद रहेंगी कि मुझे एग्जाम टाइम में क्या क्या ब्रांचेज में मैंशन करना है ठीक है

ब्रांचेज याद करने का सबसे अच्छा तरीका है दैट यू शुड गो फॉर सम न्यूमोनिक जैसे ही आप न्यूमोनिक बना लोगे आपका इजीली सब कुछ याद हो जाएगा एंड बेस्ट पार्ट इज वेन यू राइट इन एग्जाम कन्फ्यूजन नहीं होती है बिल्कुल भी उसके बाद में है हमारे पास दो एस तो दो एस में एक एस डिनोट करता है सुपरा ट्रोक्लियर आर्ट्री को सुपरा ट्रोक्लियर आर्ट्री को और दूसरा डिनोट करता है हमारा सुप्रा और बाइटल आर्ट्री को ठीक है सुप्रा ड्रॉकियर एंड सुप्रा और बाइटल आर्ट्री तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं हमारा न्यूमोनिक ब्रांचेस को याद करने का हमारा बेसिक न्यूमोनिक है डॉक्टर मैनर एंड कैरेक्टर लेस ठीक है कैसा है डॉक्टर मैनर और कैरेक्टर लेस है तो बेसिकली क्या है डॉक्टर मैनर एंड कैरेक्टर लेस ये आपको लिखना है सबसे पहले अपने एग्जाम में एंड डी स्टैंड फॉर योर डोसल नेज़ल आर्ट्री डॉसल नेज़ल आर्टरी होती है आर से होती है आपकी रेटिनल आर्ट्री पूरा नाम है सेंट्रल रेटिनल आर्ट्री एम स्टैंड फ़ॉर योर मस्क्युलर आर्ट्री जो इसकी ऑपथेलमिक आर्ट्री की मस्क्यूलर ब्रांचेस होती है जो मसल्स को आई की सप्लाई करती है सी स्टैंड फॉर दी सीलरी ब्रांचेज सीलेरी में कौन सी आती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंटीरियर सीलेरी आर्ट्री इज़ एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ दी मस्क्युलर आर्ट्री ठीक है और सिलेरी ब्रांच में दूसरी क्या है पोस्टीरियर लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलेरी आर्टरी एल स्टैंड फॉर योर लैक्रिमल आर्टरी ई स्टैंड फॉर योर इथेमोइडल आर्टरी एस स्टैंड फॉर योर सुप्रा ट्रॉकलियर आर्टरी एंड अनदर एस फॉर योर सुप्रा और बाइटल आर्टरी अच्छा ये तो हो गया कि कौन सा पार्ट हमें ऑपथेलमिक आर्टरी का न्यूमोनिक कितना रटना था दिस इज एक्चुअली अ रटाफिकेशन अब हम लोग एक एक आर्टरी के बारे में इनका पढ़ते हैं कि एक्चुअली पैसेज इनका होता क्या है एंड ताकि ये जो नाम होते हैं ना यार ये नाम भी आपको तभी याद रहेंगे जब आपको इनका पैसेज याद होगा पैसेज याद होगा ना तो डी फॉर डॉर्सल नेजल आर्ट्री है ये अपने आप ही याद आ जाएगा ई फॉर इथेमोइडल आर्टरी अपने आप याद आ जाएगा

इतना सा सेगमेंट दिया हुआ है बुक में बस और पीछे वाले पेज पे दो लाइनें लिखी हैं और में आर्ट्री सब खत्म यार मुझे अगर आप ऑनेस्टली अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी ना तो ये चीज़ें कभी याद भी नहीं होंगी तो सबसे पहली ब्रांच इन्होंने जो मेंशन करी है वो करी है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना ठीक है इट अराइज फ्रॉम द ऑपथेलेमिक आर्टरी वाइल्ड स्टिल इन द टूरल शीट इट इज़ बिलो द ऑप्टिक नर्व इट रंस

चलो अब लोग हम लोग फोकस करते हैं वर्ड टू वर्ड इट फ्रॉम दी दिले में कार्डरी बिलो द ऑप्टिक नर्व कैन यू सी दिस डायग्राम आई थिंक इट्स विजिबल टू एवरीबॉडी ये येलो है आपका ऑप्टिक नर्व ठीक है और इसमें ये क्या है ये हमारी ऑप्थेलेमिक आर्टरी है हमने पहले भी जब हमने इसके कोर्स में इस पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑप्थेलेमिक आर्टरी होती है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से इन्फीरो इन्फीरो लेटरली प्रेजेंट होते हैं मतलब ऑप्टिक नर्व के सॉरी ऑप्टिक नर्व के इन्फीरियर और लेटरली प्रेजेंट होती है हमारी ऑप्थेलेमिक आर्टरी ऑप्थेलेमिक आर्टरी पहले तो वो इंफीरियरली और लेटरली प्रेजेंट होती है उसके बाद में इट गिव आउट अ ब्रांच ये वाली ब्रांच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये वाली ब्रांच सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की ब्रांच जो ये है ये वाली जो ब्रांच है लेट मी फोकस इट ओ ये वाली जो आपकी ब्रांच है ये है मेरी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की ये ऑप्टिक नर्व से इन्फीरो मीडियली जा रही होती है इन्फीरो और मीडियल साइड पे जाती है और इन्फीरो मीडियली ये ब्रांच जाने के बाद ऑप्टिक नर्व के यानी कि हम लोग बोलते हैं कि नर्व को पेनिट्रेट करती है नर्व टिश्यू के अंदर जाती है जब ये नर्व टिश्यू के अंदर जाती है तो बेसिकली ये पेनिट्रेशन अराउंड 1.5 पॉइंट से वन सेंटीमीटर आई बॉल से ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड वन सेंटीमीटर का होता है उसका पेनिट्रेशन और उसके बाद में ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑप्टिक नर्व के कंटेंट में मूव करती है और ऑप्टिक नर्व के टिश्यू टिशू में मूव करते हुए ये रेटिना की इनर लेयर को सप्लाई करती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी सिर्फ रेटिना की इनर लेयर को सप्लाई नहीं करती सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑप्टिक नर्व को भी सप्लाई करेगी जब उसको पेनिट्रेट करते हुए निकलेगी आप ये देखो ये ऑप्टिक नर्व को पेनिट्रेट करते हुए निकल रही है ये ऑप्टिक नर्व को इस तरह पेनेट्रेट करती हुई आई बॉल तक जा रही है तो जब ये आई बॉल तक जा रही है तो एक तो ये रेटिना की इनर लेयर को सपो सप्लाई करती है सेकेंडली ये सप्लाई करती है ऑप्टिक नर्व को ठीक है ये तो हो गया हमारा क्या ये है बेसिकली हमारा बुक का कंटेंट अब हम एक बार अपने डायग्राम से भी इसको कोरिलेट करते हैं कि एग्जैक्टली हम बताना क्या चाह रहे हैं जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है ना यार देखो ये हमारी ऑप्टिक नर्व है ऑप्टिक नर्व से लेटरली प्रेजेंट हो रही है हमारी में कार्ट्री ठीक है हमने क्या कहा था कि लेटरली हमारी ऑपथेलेमिकार्ट्री होती है और में कार्ट्री का जो मेन ट्रंक होता है वो उसको क्रॉस करता हुआ आई ऑर्बिट की मीडियल वॉल में चला जाता है और फिर जहाँ पर ट्रोकलिया प्रेजेंट है या फिर मीडियल एंगल ऑफ आई है वहाँ से ये दो टर्मिनल ब्रांचेज देता है ये हमने उसके कोर्स में बात करी थी अब हम पहली ब्रांच ऑफ आर्टरी के बारे में जब बात करने जा रहे हैं तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि जो पहली ब्रांच है वो मूव करती है इन्फीरियरली ऑप्टिक नर्व से इन्फीरियरली मीडियली एंड फिर ये इस टिश्यू को पेनिट्रेट करती है जब ये नर्व टिश्यू को ये बेसिकली क्या है ये है हमारी ऑप्टिक नर्व ये क्या है हमारी ये है हमारी ऑप्टिक नर्व जब ये नर्व टिश्यू को पेनीट्रेट करेगी ना यार तो पेनीट्रेट करते हुए ये कहाँ जाएगी इट इज़ गोइंग टू सप्लाई द इनर लेयर ऑफ रेटिना ये रेटिना की लेयर होती है इनर न्यूरोनल लेयर अंदर वाली लेयर होती है इनर न्यूरोनल लेयर और आउटर लेयर होती है पिगमेंटेड लेयर तो ये पिगमेंटेड लेयर को सप्लाई नहीं करती ये न्यूरोनल लेयर को सप्लाई करती है और न्यूरोनल लेयर को सप्लाई करने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी रॉड एंड सेल्स को सप्लाई नहीं करती ठीक है इनकी सप्लाई उसके जिम में नहीं है इनकी सप्लाई दूसरी आर्टरी के जिम में वो हम देखेंगे कि कौन सी आर्टरी है जो रॉड एंड कॉन सेल्स को सप्लाई करती है लेकिन सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के सप्लाई जोन में सिर्फ ऑप्टिक नर्व आती है और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का जिम्मा है कि रॉड एंड कॉन सेल्स को छोड़ के जो न्यूरोनल लेयर है रेटिना की आप उसको सप्लाई करो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के बारे में आपको पता होनी चाहिए और वो क्या कि एक सिंपल सी स्टेटमेंट है दैट सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इज़ अ एंड आर्टरी इज़ एन एंड आर्टरी ये एक तरीके से क्या है ये है एक एंड आर्टरी एंड आर्टरी का मतलब बेसिकली पता है क्या होता है यार कि ये किसी और आर्टरी के साथ में मिलती जुलती नहीं है बेसिकली सेंट्रल रेटिनल आर्टरी मेरी तरह है मतलब एंड आर्टरीज़ क्या करती हैं एंड आर्टरीज दूसरी आर्टरीज़ के साथ में अनास्टमोज नहीं करती आई एक्सप्लेन यू जैसे सपोज ये एक आर्टरी है ठीक है और ये इस पर्टिकुलर टिश्यू को सप्लाई कर रही है अब क्या होता है अगर ये एंड आर्टरी होगी तो ये टिश्यू अपने नरिशमेंट के लिए ब्लड सप्लाई के लिए सिर्फ और सिर्फ इस आर्टरी के ऊपर डिपेंडेंट है अगर ये वाली आर्टरी में कोई थ्रोम्बोसिस होती हैं या अगर किसी तरह ये आर्टरी जो है डैमेज हो जाती है तो ये जो टिश्यू है इट विल अंडर गो और मल्टीपल इवेंट्स शुरू हो जाएंगे जब ब्लड सप्लाई शुरू इसकी ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्राक्ट कर जाएगी नरिशमेंट ऑब्स्ट्राक्ट कर जाएगी तो ये एरिया डी जनरेट ये टिशू डी कर जाएगा तो ये एक डिसएडवांटेज होता है एंड आर्टरीज़ का कि एंड आर्टरीज एंड होती हैं मतलब वहाँ पर एंड होती हैं मतलब दैट वो किसी और आर्टरी के साथ में एनास्टमोज नहीं करती एनास्टेमोज नहीं करती मतलब उस एरिया को सप्लाई करने वाली एक यही आर्टरी होती है यही आर्टरी है जो एंड आर्टरीज़ को सप्लाई करेगी अब एंड आर्टरीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है जो एंड आर्टरीज़ हैं जब वो इसको सप्लाई करेंगी तो अगर किसी वजह से ये एंड आर्टरी हमारी डिस्टॉर्ट हो जाती है किसी तरह से इसमें कोई डैमेज हो जाता है और इस रीजन की सप्लाई अगर ऑब्स्ट्रक कर जाती है तो कोई और आर्टरी नहीं है जो इस रीजन को कुछ सप्लाई करेगी जबकि क्या होता है जो एनास्टमोज करती हैं आर्टरीज़ जो एनास्टमोजिंग आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं कि सपोज़ ये एक पर्टिकुलर टिश्यू है

यहाँ से सप्लाई आ रही है प्लस इसने एनास्टमोस कर रखा है एक और आर्टरी के साथ में इसने अपना इंटरेक्शन बना रखा है तो अगर किसी भी तरीके से किसी भी रीज़न से हमारी आर्टरी नंबर वन डैमेज होती है तो ये रीजन इसकीमिया के अंडर नहीं जाएगा डिजनरेशन के अंडर नहीं जाएगा क्योंकि अभी भी इसकी ब्लड सप्लाई इस जोन से आ रही होती है तो ये अनास्टमोजिंग आर्टरीज़ का एक एडवांटेज होता है इसीलिए अगर सेंट्रल रेटिनल आर्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है या सेंट्रल रेटिनल आर्टरी किसी तरह डैमेज हो जाती है पर्सन डेवलप ब्लाइंडनेस अब आप ये बता सकते हो कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के डैमेज से ब्लाइंडनेस क्यों होती है क्योंकि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक एंड आर्टरी होती है एक ऐसी आर्टरी जो किसी और आर्टरी के साथ नास्टमोसिस नहीं करती है तो जिस भी रीजन में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की सप्लाई होगी उस रीजन में कोई और आर्टरी कुछ भी सप्लाई नहीं कर पाती ठीक है ना जैसे यहाँ पर ये गया तो ये एरिया भी काम से गया लेकिन यहाँ पर अगर ये आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हुआ कोई थ्रोम्बोसिस हुआ कोई क्लौ... ट फॉर्मेशन हुआ कुछ भी हुआ तो अगर ये आर्टरी डैमेज है तो ये टिश्यू इस्कीमिया नहीं फॉलो अप करेगा ये टिश्यू डिजेनरेट नहीं होगा क्योंकि अभी भी उसकी ब्लड सप्लाई दूसरी आर्टरी से चालू है तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के बारे में हमें यही चीज़ पढ़नी थी दैट सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आर्ट्री इनफीरोमीडियली मूव करती है और ये सप्लाई करती है इनर लेयर ऑफ रेटिना और आई बॉल से ये पेरीट्रेट जब करती है इसका डिस्टेंस आई बॉल से अराउंड 1.25 सेंटीमीटर का होता है राइट right? अब हम पढ़ेंगे इसकी सेकेंड ब्रांच के बारे में कि ऑपथेलमिक आर्टरी की सेकेंड ब्रांच कौन सी होती है तो सेकेंड ब्रांच के बारे में है सेकेंड है हमारी लिक्राइमल आर्टरी It arises from the ophthalmic artery and just before it crosses the optic nerve. It arises from the ophthalmic artery just before it crosses the optic nerve. It passes forward along the upper border of the lateral rectus and it supply the lacrimal gland, eyelids and conjunctiva. ठीक है ग्लैंडुलर ब्रांचेस टू द लेक्राइमल राइमल टू लेट्रल पेल्पेबल आर्टरीज वन टू द ईच दाइल्ड एंड टू जाइगोमैटिक ब्रांचेस दैट इज योर जाइगोमैटिको फेशियल एंड जाइगोमैटिको टेम्पोरल ब्रांचेस ठीक है भाई इसके अलावा और कोई लाइन है हाँ एक रिकरेंट मैनेजल ब्रांच है इट रन बैकवर्ड टू एंटर द मिडिल क्रेनियल फोसा थ्रू द सुपीरियर और वाइटल फिशर अब हमने इतना सारा पढ़ लिया है तो इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए सॉरी <coughs> एक्चुअली क्या होता है जैसे सपोज हमने ऑप्थेलेमिक आर्टरी के बारे में जब पढ़ा था तो ऑप्थेलेमिक आर्टरी के बारे में आपने एक चीज़ क्या पढ़ी थी कि ऑप्थेलेमिक आर्टरी जो होती है हमारी वो हमारी ऑप्टिक नर्व ये मेरा ऑप्टिक नर्व है ठीक है ये क्या है मेरा ये ऑप्टिक नर्व है ये ऑप्टिक नर्व कहाँ है हमारी ये ऑप्टिक कैनल के अंदर है क्या ना ये ऑप्टिक केनाल से ही तो आती है ऑप्टिक केनाल से एंटर करती है इस तरह से ऑप्टिक कैनाल से एंटर करके ये कहाँ एंटर करती है आई ऑर्बिट में लेकिन मेक इट आउट कि ये आई ऑर्बिट में जब एंटर करती है तो मैं आई ऑर्बिट को आई एम सीरियसली वेरी पुअर एट ड्राॅइंग ऑल दीज थिंग्स सो बेसिकली यहाँ हमारा ओपनिंग होगा ऑप्टिक कैनाल का मैंने आपको कल ऑप्टिक कैनाल दिखाया भी था कि एग्जैक्टली exactly ऑप्टिक कैनाल होता कहाँ है अब क्या होता है यार जो मेरी ऑप्टिक <coughs> सॉरी ये जो मेरा ऑप्टिक कैनाल जा रहा है ये जो मेरा ऑप्टिक कैनाल जा रहा है जो मेरी आई ऑर्बिट में जाता है इसके थ्रू मेरी ऑप्टिक नर्व जा रही है साइमेंटेनियसली मेरी जाती है ऑपथिल में तो जब मीडियल टू एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस ऑप्टिक नर्व एंटर करती है इट इज़ प्रेजेंट इन्फीरोट्रली टू दी ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व से इन्फीरोट्रली प्रेजेंट होती है और फिर ये वो इस तरह से मूव करती है और मूव करते हुए इसका काम है कि आई ऑर्बिट की मीडियल वॉल की तरफ आना जब ये बेसिकली यहाँ से जाती है ना यहाँ से तो ये मीडियल वॉल की तरफ मूव करती है आई ऑर्बिट की आई ऑर्बिट की मीडियल वॉल से जाती है और फिर इस तरह से दो ब्रांचेस देती है खैर हमने बात करनी है लेक्राइमल आर्टरी जस्ट बिफोर की ऑप्टिक नर्व को क्रॉस करे यहाँ से वो एक और ब्रांच देती है जिसे हम बोलते हैं लेक्राइमल आर्टरी और लेकराइमल आर्टरी याद करने का बेस्ट तरीका क्या है लेक्राइमल आर्ट्री एल्फॉर लेक्राइ लेकर और यह आई ऑर्बिट की लेटरल वॉल की तरफ जाती है कहाँ जाती है यह आई ऑर्बिट की लेटरल वॉल की तरफ जाती है अब लेट मी शो यू दी स्कल वन सेकेंड ओके ये मेरा स्कल है देखो यार कल मैंने आपको दिखाया था कि ऑप्टिक कैनाल कहाँ होता है जस्ट फॉर अ वाइल्ड मैं फिर से पेन आ, को यूज़ करती हूँ तो ये है मेरा ऑप्टिक कैनाल मैंने आपको कल भी दिखाया था कि ये क्या होता है ये होता है ऑप्टिक कैनाल ये ये थी मेरी इंटीरियर क्लीनोइट प्रोसेस और ये था मेरा ऑप्टिक कैनाल हमने कल भी जब यहाँ से पेंट उधर की तरफ आई ऑर्बिट में पास करा था तो हमने ऑप्टिक कैनाल देखा था तो ये है मेरा बेसिकली ऑप्टिक कैनाल अच्छा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इंटीरियर क्लिनोट प्रोसेस है उसकी जस्ट नीचे अगर आप देखो तो आपको ये फिशर नज़र आएगा आई थिंक आई मस्ट शो दिस और ये आई ऑर्बिट में गेरा ये वाला फ़िशर दिस वन ये ये है मेरा सुपीरियर और बाइटल फिशर ये है इन्फेरियर और बाइटल फिशर और ये है सुपीरियर और बाइटल फिशर मोर इम्पॉर्टेंटली आपको एक चीज़ जो लिखनी है वो इनमें देखनी है देखो ये है आपकी आई ऑर्बिट आई ऑर्बिट की ये है मीडियल वॉल ये है लेटरल वॉल ठीक है ऑप्टिक केनाल आपको ये दिख रहा है कि आपका ऑप्टिक कैनाल ये है ये आपका ऑप्टिक कैनाल है और ऑप्टिक कैनाल के आप जस्ट देखोगे जो ये एरिया है आपका ऑप्टिक कैनाल के साथ में जो ये एरिया है ये है आपका सुपीरियर और बाइटल फिशर ठीक है ये सुपीरियर और बाइटल फिशर है जब ऑप्टिक कैनाल से ये ऑप्टिक कैनाल से हमारी ऑपथेलेमिक कार्ट्री एंटर करती है तो ये ऑपथेलेमिक कार्ट्री एंटर करने के बाद में लेटरल वॉल की तरफ लेटरल वॉल ऑफ आई ऑर्बिट की तरफ एक एक हमारा क्या देती है एक ब्रांच देती है वो ब्रांच होती है हमारी लेक्राइमल आर्टरी की लेक्राइमल आर्टरी जब यहाँ मूव कर रही होती है तो क्या करती है वो सुपीरियर और बाइटल फिशर के थ्रू ठीक है सुपीरियर और बाइटल फिशर के थ्रू लेक्राइमल आर्टरी एक ब्रांच देती है और उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं रिकरेंट मैनेजियल आर्टरी कर मैनेंजियल एंड आर्टरी तो बेसिकली क्या है बेसिकली है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है दैट जो हमारी ऑपथेलिमिक आर्टरी है जो हमारी ऑपथेलिमिक आर्टरी है ये एक ब्रांच देती है लेक्राइमल आर्टरी की ठीक है ऑप्टिक नर्व को क्रॉस करने से जस्ट पहले ये ऑपथेल लेक्राइमल आर्टरी की एक ब्रांच देती है जो कहाँ मूव करती है जो आई ऑर्बिट की लेटरल वॉल की तरफ मूव करती है ऑप्टिक कैनाल अगर यहाँ है तो यहाँ हमारा होता है सुपीरियर और बाइटल फिशर लेक्राइमल आर्टरी एक ब्रांच देती है जो पास करती है सुपीरियर और बाइटल फिशर से और इस ब्रांच का नाम है रिकरंट मैनेंजियल आर्टरी जैसे हमने यहाँ लिखा भी है रिकरंट मैनेजियल आर्टरी अब क्या है यार देखो जो हमारी रिकरेंट मैनेजल आर्ट्री है ठीक है वो किसकी ब्रांच है लेक्राइमल आर्ट्री की ठीक है अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लेकराइमल आर्टरी सुपीरी सुपीरियर और बाइटल फिशर से एक ब्रांच दे रही है जिसका नाम है रिकरेंट मैनेजल आर्ट्री ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनास्टमोसिस के रिगार्डिंग क्योंकि यार क्या होता है जो हमारी लेक्राइमल आर्टरी है देखो जो हमारी इन आर्टरी है देखो ये हमारी क्या है ये हमारी ऑपथेलेमिक आर्टरी है ऑपथेलेमिक ब्रांच है किसकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की और लेक्राइमल ब्रांच है ऑपथेलेमिक आर्टरी की और रिकरेंट मैनेजियल है लेक्राइमल की ब्रांच ठीक है ये इस तरह से इनका पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने ऑपथेलेमिक आर्टरी की एक ब्रांच थी ऑपथेलेमिक आर्टरी ने एक लेक्राइमल आर्टरी की ब्रांच थी लेकराइमल आर्टरी से एक मेडिक्रंट मैनेजियल आर्टरी की ब्रांच निकलती है अब क्या होता है कि इट इज़ फाउंड कि ये जो रिकरेंट मैनेंजियल आर्टरी है ये एनास्टमोस शो करती है मतलब फ्यूजन और मीटिंग शो करती है किसके साथ में मिडल मैनेंजियल आर्टरी के साथ में मिडल मैन आर्टरी क्या है जो ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की मैक्सिलरी आर्टरी किसकी ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की तो अब आप ये देखो कि किस तरह से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये दोनों का सिस्टम एक जगह पर अनास्टमोज हुआ तो अगर किसी ये अनास्टमोसिस का हम फिर क्या देख रहे हैं क्या फ़ायदा होता है कि अगर किसी तरह से इस पैसेज में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें ब्लड इस पैसेज के थ्रू मिल जाएगा सो so, एक जो हमारा एनास्टमो पहले हमने क्या पढ़ा था सेंट्रो रेटिनल आर्टरी के बारे में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में हमने देखा था कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड आर्टरी होती है वो किसी और आर्टरी के साथ शो नहीं करती जिसकी वजह से अगर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी डैमेज हो जाती है तो रेटिना की सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी रेटिना की न्यूरोनल लेयर की सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी थोड़ा सा हम लोग प्रॉपरली मैंशन करें एंड द पर्सन विल डेवलप ब्लाइंडनेस ठीक है एंड यहाँ पर क्या है ये है हमारी एनास्टमोजिंग आर्टरी मतलब कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने ब्रांच दी ऑप्थेलेमिक आर्टरी ऑप्थेलेमिक आर्टरी ने एक ब्रांच दी लेक्राइमल आर्टरी और लेक्राइमल आर्टरी ने एक ब्रांच दी रिकरेंट मैनेंजल आर्टरी और रिकरेंट मैनेजल आर्टरी एनास्टमोस करती है मिडिल मैनेंजियल आर्टरी के साथ मिडिल मैनेजल आर्टरी किसकी ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की और मैक्सिलरी आर्टरी अपने आप में ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ठीक है तो एक तो लेक्राइमल आर्टरी की ब्रांच ये हुई रिकरेंट मैनेजल आर्टरी अब हमने क्या बोला है कि जो ऑप्थेलेमिक आर्टरी की लेक्राइमल आर्टरी की ब्रांच होती है वो कहाँ जाती है वो पास होती है हमारी आई ऑर्बिट की लेटरल वॉल में ठीक है ये हमारी ऑर्बिट है और ये जो इसकी लेटरल वॉल है यहाँ आती है तो बेसिकली आपका जो लेक्राइमल ग्लैंड है ये उसको सप्लाई करती है लेक्राइमल ग्लैंड को ब्रांचेस देती है मीन वाइल ये मसल्स को भी ब्रांच देती हुई आती है ठीक है मीन वाइल वो क्या करती है जो मसल्स प्रेजेंट है बिकॉज वो लेटरल रेक्टस के अराउंड प्रेजेंट होती है तो वो मीन मसल्स को को भी भी करती करती फिर वो वो और और उसके साथ-साथ देती है। कौन सी है इस वाले स्कल में पर शो नहीं कर रहा है बट आई शो यू इन डायग्राम दैट देर आर प्रेजेंट टू फोरामेंट जयगोमैटिको फेशल एंडिको टेम्पोरल हमारे दो फेशियल फोराम होते हैं Zygomatic bone में Uh, एक हम बोलते हैं इसमें तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा जाइगोमैटिको फेशियल एंड जायगोमैटिको टेम्पोरल फोरामेन किसी भी साइड नहीं है ठीक है तो उसमें भी ये दो ब्रांचेस देती है जाइगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी एंड जयगोमेटिको फेशियल आर्टरी अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ एक्जैक्टली ओके सो सीरियसली उस कल में कहीं नज़र नहीं आया लेकिन फोरामैन इन द लेटरल व्यू ऑफ जयगोमैटिक बोन का है अब आप ये देखो जो फर्स्ट है ये है मेरा जयगोमेटिको फेशियल फोरामेन और ये है मेरा जयगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन ठीक है एंड ये जो जैगोमेटिको फेशियल फोरामेन है और ये जैगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन है इसके थ्रू दो ब्रांचेज लेक्राइमल आर्टरी देती है आप ये देखो कहाँ है आपकी लेक्राइमल आर्टरी दिस इज एक्चुअली योर सॉरी दिस इज एक्चुअली वॉट दिस इज योर लेक्राइमल आर्टरी आई थिंक आप इसकी डायमेंशन इसके पैसेज के अक्रॉस मूव करो ये है आपकी लेक्राइमल आर्टरी ये है आपकी लेक्राइमल आर्टरी और ये लेक्राइमल आर्टरी आपकी ब्रांच देती है जैगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी एंड अनदर इज योर जायगोमेटिको फेशियल आर्टरी सो so बेसिकली <coughs> लेक्राइमल आर्टरी ने पहली ब्रांच दी कौन सी रिकरेंट मैनेजल आर्टरी जब उसने ब्रांच दी रिकरेंट मैनेंजल आर्टरी आई थिंक आई शुड जूम लेक्राइमल आर्टरी क्योंकि लेकर आर्टरी इसमें रिकरेंट मैनेजल आर्टरी का ब्रांच भी दिखा रही है लेट मी मेक आउट अ पैसेज सो ये मेरी लेक्राइमल आर्टरी लेक्राइमल आर्टरी ने एक ब्रांच दी रिकरेंट मैनेजल आर्टरी और दूसरी ब्रांच है इसकी जयगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी और दूसरी अनदर ब्रांच है तीसरी ब्रांच है जयगोमेटिको फेशियल आर्टरी ठीक है अब क्या होता है ये जो जायगोमेटिको टेम्पोरल और जयगोमेटिको फेशियल आर्टरी होती है ये भी एनास्टमोसिस शो करती हैं किसके साथ पहले हमने क्या पढ़ा था कि रिकरेंट मैनेजल आर्टरी एनास्टमोसिस शो करती है किसके साथ में वो एनास्टमोसिस शो करती है बेसिकली मिडिल मैनेजल आर्टरी के साथ में और मिडिल मैनेजल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ मैगजिलरी आर्टरी एंड मैग्जिलेरी आर्टरी इज़ इट्स अ ब्रांच ऑफ वॉट इज इट अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल केरोटेड आर्टरी राइट right. और ये नास्टमोस का फायदा क्या होता है कि किसी भी रीजन में अगर दोनों में से किसी एक सिस्टम ने प्रॉब्लम किया काम करने में तो दूसरा सप्लाई प्रोवाइड रखता है अब आप देखो कि ये है आपकी मिडल मैन आर्टरी ये जा रही है ऊपर एंड दिस वन द ग्रीन मार्क वन लेट मी शो यू द ये वाली है आपकी कौन सी ये आपकी मिडल मैन आर्ट्री आ रही है नीचे से और ये वाली कौन सी है ये वाली है रिकरेंट मैन आर्टरी तो ये दोनों क्या शो कर रही हैं नास्टमोसिस शो कर रही हैं तो बेसिकली क्या है ये क्यों अनास्टमोसिस शो करती हैं ताकि सप्लाई कंटिन्यूसली रहे इसके बाद में हमने क्या देखा कि लेटरल वॉल से जब वो आगे की तरफ मूव करती है लेटरल वॉल से लेटरल वॉल से जब हमारी लेकरइमल आर्टरी तो हमने पहले क्या देखना है कि लिकरन मैनेजर आर्टरी ने जब ऑपथेलेमिक आर्टरी से पहली डिवीज़न ली तो ऑप्थेलमिक आर्टरी से जब लेकर आर्टरी ने पहली डिवीजन ली तो पहली डिवीज़न कहाँ गई सुपीरियर और सुपर और बाइटल फिशर के थ्रू ये जो बिल्कुल एडजस्टेंट इसके पेज प्रेजेंट है सुप्रा और बाइटल फिशर के थ्रू उसने रिकरेंट मैनेंजल आर्टरी की ब्रांच दी और रिकरेंट मैनेंजल आर्टरी के थ्रू उसने नास्टमोसिस शो की उसके बाद में आगे आकर उसने लिक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करा प्लस जाइगोमैटिको फेशियल और जाइगोमैटिको टेम्पोरल फोरामेन जो जाइगोमैटिक बोन में जाइगोमैटिको फेशियल और जाइगोमैटिको टेंपोरल फोरामेन है उसके थ्रू उसने जाइगोमैटिको टेम्पोरल जाइगोमैटिको टेम्पोरल आर्टरी और जाइगोमैटिको फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस भी दी एक ब्रांच वो और देती है क्या होता है दिस इज योर आई जो है आपकी आई एंड दीज आर योर आईलेट्स तो अगर ये जैसे सपोज़ यहाँ मेरी नोज़ है और ये आय है तो आईलिड का लेटरल ये बेसिकली आईलिड को लेटरली सप्लाई करती है और यहाँ ये एक ब्रांच देती है लेटरल पैल्पेब्रल सुपीरियरली भी देती है इंफीरियरली भी देती है ये किसकी ब्रांचेस हैं ये लेक्राइमल आर्टरी की ब्रांचेस हैं तो अब हम एक बार लेक्राइमल आर्टरी की ब्रांचेस को दोबारा से रिवाइज़ करते हैं कि लेक्राइमल आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं तो पहले हमने बात करी कि लेक्राइमल आर्टरी जो हमारी ऑप्थेलेमिक आर्टरी है ऑप्थेलेमिक आर्टरी की एक ब्रांच निकलती है जिसे हम बोलते हैं लेक्राइमल आर्टरी लेक्राइमल आर्टरी सुप्रा और बाइटल फिशर से बेसिकली मूव करते लेक्राइमल आर्टरी अपनी एक ब्रांच देती है जो सुप्रा और बाइटल फिशर से निकलती है जिसका नाम होता है रिकरेंट मैनेजियल आर्टरी जो मिडिल मैनेजल आर्टरी ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी से एनास्टमोसिस शो करती है ठीक है ना उसके बाद लेक्राइमल आर्टरी आई ऑर्बिट की लेटरल वॉल की तरफ मूव करते हुए वहाँ जो मसल्स हैं उनको भी ब्रांच देती है मीन वाइल जो आपका लेक्राइमल ग्लैंड आएगा उसको भी ब्रांच देती है प्लस प्लस जो जाइगोमेटिको फेशियल और जयगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन आपका आएगा वो जाइगोमैटिको फेशियल और जाइगोमेटिको फेशियल और जयगोमेटिको टेम्पोरल दो ब्रांचेस और देगी जायगोमेटिको फेशियल और जयगोमेटिको टेम्पोरल ये भी दो ब्रांचेस देती है प्लस आई की आईलेड की आपकी जो लेटरल साइड से दिस इज योर नोज तो आई का जो आईलेड का लेटरल सेगमेंट है उसके लिए वो एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर पैल्पेब्रल ब्रांच देती है जिसे हम बोलते हैं लेटरल पैल्पेब्रल ब्रांच क्या बोलते हैं हम लेट्रल पैल्पेब्रल ब्रांच और ये जो जाइगोमैटिको फेशियल और जाइगोमैटिको टेम्पोरल आर्टरी है ये भी एनास्टोमोसिस शो करती है किसके साथ में सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांचेस के साथ में सो so, ये थी हमारी लेक्राइमल आर्टरी जो है सेकेंड ब्रांच ऑफ ऑपथेलेबिक आर्टरी अब हम अगली ब्रांच के बारे में बात करेंगे